बेशक सिक्योरिटी दे भी दो वो नहीं आएंगे, वो एक नफरत कह सकते हो, वो कभी भी नहीं आएंगे। पहले आते थे, जब से ये मामला ख़राब हुआ है वो बेशक सिक्योरिटी जितनी मर्जी दे दो वो नहीं आएंगे। पाकिस्तान और इंडिया का पहले से जैसे एक मैच नहीं होता, ये जंग होती है, वो इसी वजह से बस उन्हें बेटर नहीं महसूस होता होगा, वो नहीं आते, लेकिन आना चाहिए, हमारी तो यही ख्वाहिश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अवैस। बिलावल। ख्वाजा फरजूक जमाल। जलील अहमद। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक रिएक्शन शो में मैं हूं आपका होस्ट जैन मकसूद। इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान आकर एशिया कप खेलने से मना कर दिया है। आइए हम जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम का इस बारे में क्या राय है। अवैस, मुझे ये बताओ कि इंडियन बोर्ड ने मना कर दिया पाकिस्तान आकर एशिया कप खेलने से, क्या रिएक्शन है आपका? ये तो पता ही था, वो कभी भी नहीं आएंगे, जो मुल्क के हालात हैं उनके साथ वो नहीं आएगा, तो दुबई भी नहीं आएगा मेरा ख्याल। और ये जो था, अब उन्होंने नहीं आना, अब पाकिस्तान ने भी जवाब दिया कि वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे, तो सही है, वो नहीं आएंगे, हम भी नहीं जाएंगे, यही होना चाहिए। भाई एक्चुअली बात यही है कि इंडिया हमारे साथ कोई सीरीज नहीं खेल रहा फिलहाल, बड़े मैच होते हैं जो वर्ल्ड कप हो गया, एशिया कप हो गया, T20 वर्ल्ड कप हो गया या वनडे, उसी में मैच हमारे होते हैं, वो भी किसी और मुल्क में होते हैं। इस दफ़ा पाकिस्तान को मेज़बानी थी, इंडिया नहीं आया, इस वजह से, क्योंकि पहली सीरीज भी हमारी इंडिया के साथ थी, उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया, बस सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से, बस सियासत बनाते हैं सभी प्लेयर, बस नहीं आते। क्या वजह क्या है, क्यों इनकार करते हैं वो? वजह आपको पता ही है, इंडिया और पाकिस्तान का, बस वही अपनी सियासत बना के वो नहीं आते, और तो कोई इशू नहीं है। मुझे तो बस यही लगता है वो सिक्योरिटी की वजह से नहीं आ रहे, तो हम तो यही उन्हें कहेंगे कि आप ज़रूर आएँ और पाकिस्तान में आके खेलें, हम भी चाहते हैं कि इंडिया आए, हम भी वहाँ पर इंडिया जाके खेलें। नहीं, उनको आना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सेफ है। और जैसे कि अभी श्रीलंका आया था, बांग्लादेश आया, अभी फिर वो आ रहा है टेस्ट मैच के लिए, इस तरह PSL भी होने जा रहा है, तो उनको आना चाहिए, क्रिकेट के लिए सेफ है। अगर वो नहीं आएंगे तो फिर हम भी नहीं जाएंगे उधर, पाकिस्तान भी नहीं जाएगा वर्ल्ड T20 खेलने के लिए। अब ये पहले भी यहाँ से भी हमारे हमने काफ़ी दफ़ा उनको कोशिश की साथ मैच खेलने की, उनको बुलाने की, मगर वो नहीं आए, लेकिन हम तो हमेशा उनको वेलकम करते रहेंगे, वो आए खेलें यहाँ पर। अब क्या कर सकते हैं, अब हम दुआ ही कर सकते हैं कि वो आए यहाँ पर खेलें आगे। ओवरऑल टीम्स पाकिस्तान आ रही हैं, अभी वर्ल्ड 11 भी आई, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, और अब PSL भी सारा पाकिस्तान में हो रहा है, तो इनके लिए वो सिक्योरिटी इश्यूज क्यों नहीं है जो इंडिया के लिए हैं? अगर इनको कोई मसला नहीं है पाकिस्तान आने से, तो इंडियन टीम को क्या मसला है? सर, इंडियन वो बेशक सिक्योरिटी दे भी दो वो नहीं आएंगे, वो एक नफरत कह सकते हो, वो कभी भी नहीं आएंगे। पहले आते थे, जब से ये मामला ख़राब हुआ है वो बेशक सिक्योरिटी जितनी मर्जी दे दो वो नहीं आएंगे। वो अभी MCC टीम ने आना है, वो क्या नाम है, उसमें इंडियन खिलाड़ी थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे, तो इंडिया नहीं आएगा, उसको कोई है मसला, मेरा नहीं लगता आएगा उसको। ऐसा है कि पाकिस्तान और इंडिया का पहले से जैसे एक मैच नहीं होता, ये जंग होती है, वो इसी वजह से बस उन्हें बेटर नहीं महसूस होता होगा, वो नहीं आते, लेकिन आना चाहिए, हमारी तो यही ख्वाहिश है, इंडिया पाकिस्तान आके खेले और पाकिस्तान इंडिया में जाके खेले, बाकी जो सियासत में आ जाता है वो फिर आपके। जी, आपके पास सही है, सारे आ रहे हैं, पर अब ये इंडिया पता नहीं इस वजह से नहीं आ रही ना, और कोई वजह है क्यों नहीं आ रही वो पाकिस्तान, इस बात का तो मुझे भी नहीं पता, मैं कह सिक्योरिटी की ना वजह हो ना और कोई वजह हो, अब इस बात का कंफर्म नहीं है, बस सिक्योरिटी इश्यूज है तो पता नहीं, लेकिन वो उनको आना चाहिए, क्या कह सकते हैं, हुकूमत आपको पता है सरहद पर भी इस तरह हालात सही नहीं है, कशीदगी है, तो इस देखें अब आना चाहिए उन्हें, हम तो वेलकम करते। असल में उनको सिक्योरिटी का मसला नहीं है, असल उनका प्रेशर अपनी हुकूमत की तरफ से और अपने बोर्ड की तरफ से, क्योंकि वो टीम, मैंने उनके प्लेयर्स भी हैं, वो जिस तरह पाकिस्तान जब चैंपियन ट्रॉफी में भी मैच के बाद जिस तरह वो आपस में हल्ला गुल्ला मजाक करते हैं, वो प्लेयर्स को इतना प्रॉब्लम नहीं है उनको आने के लिए, असल प्रॉब्लम जो हमारे वार वगैरह पॉलिटिक्स की वजह से वो नहीं आ रहे, उनको प्रेशर है। आप इंडियन टीम और आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं होता, पूरी दुनिया में सिक्योरिटी इशू है, इंडिया में कम सिक्योरिटी इशू है, लंदन में भी अटैक हुआ, तो ये नहीं कि टीमें आना बंद होंगी, ये सिर्फ ड्रामा होता है ना खेलने का, क्रिकेट पूरी दुनिया में चलती रहती है, जहाँ मर्जी आप खेलें, सिक्योरिटी इतना इशू नहीं होता, वैसे आना चाहिए था इंडिया को, एशिया कप है, मेन इवेंट है, बाकी उनके ऊपर। इंडियन टीम और बोर्ड को और इंडियन आवाम को यही मैसेज देना चाहेंगे, पाकिस्तान पूरा अमन मुल्क है और पाकिस्तान में आए,
क्रिकेट खेलें और अच्छा मैच होगा पाकिस्तान और इंडिया का, दिलचस्पी से लोग देखते हैं, बस यही है। मैं आपको यही कहूँगा, इंडिया पाकिस्तान आए, पाकिस्तान बहुत प्यारा है और हमारी सिक्योरिटी का भी आपको इंशाल्लाह इशू नहीं बनता, तो आप लोग ज़रूर आए पाकिस्तान, आके विजिट भी करें और आप खेलें भी हमारे इंटरनेशनल ग्राउंड में। उनको तो यही मैसेज देंगे कि आप वो हम सौ बिस्मिल्लाह जब मर्जी आए, वो हम उनके लिए जिस तरह बाकी टीमों के लिए हम उनका वेलकम करते हैं, उनकी टीम के लिए उनके लिए भी वेलकम करेंगे और वो आए, आप उनको बहुत मज़ा आएगा। आप चाहते हैं कि इंडियन टीम पाकिस्तान आगे एशिया कप खेले? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि दुनिया की बहुत नंबर वन टीम है और बहुत अच्छे खिलाड़ी, तो आएगा तो जहरी बात है क्राउड भी आएगा, सपोर्ट करेगा और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छा है कि एक इंटरनेशनल टीम आ रही है, तो इंडिया को आना चाहिए, खेलना चाहिए एशिया कप। ये बिल्कुल हम क्यों नहीं चाहेंगे, उनके पास इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, हम अपने जब पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को देखेंगे, नो डाउट उनकी टीम बहुत अच्छी है, तो जब हम उनको देखेंगे खेलते हुए तो काफ़ी अच्छा फील होगा। इंडिया और पाकिस्तान का मैच कितने शौक से देखते हो? बहुत, लास्ट टाइम जो वर्ल्ड कप मैच था मैं पाकिस्तान में नहीं था लेकिन मेरे मोबाइल पर पूरा देखा है, मलेशिया था लेकिन देखा पूरा। इस मैच का लहजा ही मज़ा होता है, जब हारो या जीतो लेकिन मज़ा आता है देखने। ऐसी ऐसी क्या एक्साइटमेंट होती है इस मैच में जो बाकी में नहीं होती? पर देखें दो बड़े मुल्क हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, विराट कोहली और मोहम्मद आमिर का जो टाकरा चलता रहा है, और भी बड़े प्लेयर हैं, पहले भी बहुत अहम मैच होते रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंस है दोनों की और बहुत शौक से लोग देखते हैं। ऐसे ही है कि किसी के पास टीवी नहीं होगा वो किराए पे भी ले आएगा, अपने पास से उधार भी पैसे लेके टीवी लेके लगा के एलसीडी लगा के मैच देखेगा, इससे बढ़ के और तो कुछ नहीं कह सकता। क्या वजह क्या है, इतनी एक्साइटमेंट क्यों है इस मैच के लिए, बाकी मैचेस के लिए इतनी एक्साइटमेंट क्यों नहीं है? देखे ना, क्रिकेट हिस्ट्री में पाकिस्तान और इंडिया, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ऐसी सीरीज होगी और पाकिस्तान इंडिया का हो गया जो मैच सबसे ज़्यादा देखने में आता है और दिलचस्पी भी लोग रखते हैं, ये क्रिकेट मैच भी होता है और पाकिस्तान और इंडिया का आपस में जो जैसा कल्चर है उसी हिसाब से लोग इंजॉय करते हैं मैच को देख के, यही दिलचस्पी है, शौक से देखते हैं। क्यों बाकी मैचेस क्यों नहीं शौक से देखते हैं? पर वो बस एक है ना, इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला भी होता है बीच में, तो हमें भी काफ़ी इंटरेस्ट है उन दोनों का मैच देखने का, इंडिया और पाकिस्तान का जब होता है सारे घर वाले बैठ जाते हैं एक साथ और मैच देखते हैं। मैं तो जी सब मैच बड़े शौक से देखता हूँ लेकिन इंडिया पाकिस्तान का तो आपको पता है पूरा मुल्क ही बहुत शौक से देखता है। क्या ऐसी खास बात क्या है उसमें? बस देर बाद होते हैं मैच और हम सिर्फ आईसीसी इवेंट में खेलते हैं और उसके साथ आवाम के अंदर भी जज्बा जुनून होता है कि इंडिया को हराएंगे, जैसे हमने चैंपियंस ट्रॉफी में हराया था, लेकिन हम बड़ा मज़ा आता है देखते हैं, बहुत शौक से देखते हैं, क्योंकि जिस तरह मतलब के ऐसा डाइवर्सिटी उन्होंने बनाया हुआ इसको कि जैसे ये मैच हमें जीतना ही जीतना है चाहे जो मर्जी हो जाए, तो ये मैच बेशक बहुत अच्छा होता है देखने के लिए। इसलिए तो कैसी लगी आज की वीडियो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।